हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि सबका फेवरेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 और 5 मीडियम साइज़ की गाजर, जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क, यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है चीनी, यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है। यहाँ पे मैंने लिया है खोया, जिसको मैंने घर पे मिल्क से बनाया है, आप इसको बाहर से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ इलायची के दाने, और यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून लिया है घी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें ऐड किया घी। घी को गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना ग्रेट किया हुआ गाजर। यहाँ पे गाजर को हम 5 से 10 मिनट तक भुनेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए, गाजर हमारी अच्छे से भुन गई है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे मिल्क। फिर से हम गाजर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमें गाजर को कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना होगा। अब यहाँ पे हम इसको ढक देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में आप इसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए, हमारी गाजर पक चुकी है। गाजर एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे चीनी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आप कम मीठा या ज़्यादा मीठा जो भी खाना पसंद करें। अब यहाँ पे हम फिर से गाजर को 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से हम पकाएंगे। ये देखिए, चीनी भी अच्छे से पक चुकी है। इसी तरीके से हम इसको 2 और 3 मिनट तक अभी और पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इलायची के दाने। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, इनको फिर से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ खोया, इसको मैंने घर पे बनाया है। आप चाहें तो इसे घर पे बना लीजिएगा, या फिर आप इसको बाहर से भी ला सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके हम फिर से खोया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे इसको हम 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम एकदम सिम रखिएगा। तो ये देखिए, हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। आप लोग भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।